अगर आपके बीच ही इतनी अव्यवस्था होगी कैसे अपनी बात रहे? नहीं बोलिए सर, बोलिए सर, रुकिए एक सेकंड। बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई, हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो, उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बात नहीं करूँगा। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में उसके संदर्भ में। शुक्रिया बहुत। सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है, सर राजद सरकार बदल रही है, सर वापसी पे भी आप लोग विचार कीजिए। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिया, अस्पतालों की काया पलट कर दी, उस सरकार ने अपने सृजन किए हुए बच्चे हत्या। लेकिन विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले।